बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने आज साफ कहा कि ईवीएम मशीन को हैक नहीं किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने 3 जून से ईवीएम को हैक करने की चुनौती दी है। चुनाव आयोग ने ईवीएम का डेमो भी करके दिखाया, बताया कि न तो मशीन को इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है और ना ही किसी डिवाइस से। चुनाव आयोग ने ईवीएम के साथ वीवीपैट को जोड़कर निष्पक्ष चुनाव कराने का भरोसा दिया, सारे आरोपों को खारिज कर दिया। वे मशीनें जो चुनाव आयोग के तकनीकी और एडमिनिस्ट्रेटिव सुरक्षा में रहती हैं, कस्टडी में रहती हैं, उसमें रहते हुए भी क्या उनको टेम्पर किया जा सकता है? एंड देयरफॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नाउ प्रपोज टू ओपन द चैलेंज ऑन 3 जून ऑनवर्ड टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। आई रिपीट, चुनाव आयोग 3 जून 2017 से आगे, 3 जून से प्रारंभ करके और आगे तक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चैलेंज का आयोजन कर रहे हैं। कमीशन बताना चाहेंगे कि हमारी मशीनें स्टैंड अलोन मशीन्स हैं और किसी भी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होती हैं और ना ही किसी अन्य नेटवर्क से कनेक्टेड होती हैं। पूरी पोलिंग प्रोसेस में कोई चांस हैकिंग का नहीं है।